हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्लास 12 से। हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। प्यार में है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a सच दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय, फंक्शन दिया हुआ है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1.2। मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1.2 पर। आप मुझे प्रूफ, मतलब आप मुझे लीस्ट वैल्यू ऑफ ए निकाल के दिखाइए क्या होगी यहां पर। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब f'x f's greater than 0। f's का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले fx लिखते हैं, देखिए कितना है fx। fx हमारे पास x2 + ex + 1। अब सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, ये देखिए कितना आएगा, 2x + a। अब फॉर फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अब फॉर नहीं डालेंगे क्योंकि फंक्शन तो गिवन है, तो लिखेंगे सिंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि फंक्शन तो दिया है इंक्रीजिंग आपको, देन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ये लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मैंने भी रख दिया। तो चलिए 2x + a greater than 0, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि 2x + a को, हाँ, तो अब यहां पर मुझे a का लीस्ट वैल्यू निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस a का वैल्यू 2x रख दूं, ठीक है, तो देखना, सॉरी, a का वैल्यू मैं -2x रख दूं, ठीक है। अब देखो जरा, सुनिए, अगर मैं a का वैल्यू -2x रख दूं, तो 2x -2x 0, लेकिन मुझे 0 से बड़ा चाहिए, तो पक्की बात क्या हो गया कि a should be greater than -2x, ठीक है। फिर समझिए इस बात को कि अगर a का वैल्यू -2x होता तो -2x + 2x 0, लेकिन हमसे क्या कह रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो 0 से बड़ा ही होना चाहिए, तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि a की वैल्यू यहां पर हमेशा बड़ी होगी -2x से, ठीक है। अब जिसमें ये x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, तो चलिए उसके इंटरवल दिया हुआ है मुझे। अब 1 से 2 की बात है और ये ओपन इंटरवल है, ना 1 यूज हो सकता है ना तो 2 यूज हो सकता है, लेकिन मानिए कि मैं 1 यूज कर लेता हूं, चलिए x की जगह 1 डाल देता हूं, ठीक है। तो -2, तो कितना है अगर मैं 1 डालता हूं कि a इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। केस की मैक्सिमम वैल्यू 2 भी यूज कर सकते हैं, जबकि देखिए 1 और 2 यूज नहीं कर सकते, ओपन इंटरवल है, लेकिन अगर फिर भी करें तो, और अगर मैंने 2 डाल दिया एक्चुअल में, तो 2 टू द 4 -4, तो ये आ गया a इज ग्रेटर देन -4। एक सिंपल सी बात है कि वो हमसे कह रहा है सबसे छोटी कौन सी कम से कम वैल्यू a की हो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग ही रहे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहे। तो पक्की बात है जो -2 है वैल्यू, क्योंकि वो -2 वैल्यू किस पर आई है आपके पास, वो -2 वैल्यू आपके पास 1 डालने पर आई है, ठीक है। क्योंकि लीस्ट, देखिए वैल्यू तो कोई से भी पड़ सकती है, दिक्कत है अगर वो कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती इसमें, आप कोई सी वैल्यू की हाँ कर देते, लेकिन लीस्ट वैल्यू का मतलब है जो सबसे छोटी पहली वैल्यू होगी, तो ठीक है। तो आप कहोगे द लीस्ट वैल्यू वो कहां से मिलेगी आपको, वो इस वाले नंबर से मिलेगी, 1 वाले से, लीस्ट वैल्यू, तो ठीक है। देखेंगे फॉर a ग्रेटर देन -2, हमने 1 डालकर -2 आ रहा है ना, जबकि 1 डाल नहीं सकते, तो हम भी क्या कह रहे हैं -2 आ रहा है, हम भी तो कह रहे हैं कि -2 से बड़ा आना चाहिए, क्योंकि आपको लीस्ट वैल्यू चाहिए। बात को समझिए इस तरह से कि हम 1 पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, लेकिन मैंने 1 पुट कर दिया, तो 1 पुट किया तो -2 आ गया, लेकिन मैंने -2 कहां लिखा है, मैंने तो -2 से ग्रेटर लिखा है, इसका मतलब 1 पे चेक नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि लीस्ट वैल्यू रखनी थी इसलिए 1 पे चेक करके मैंने ये देख लिया कि -2 वो सबसे छोटी वैल्यू है जिससे, जिस पर ये बात बन जाएगी, लेकिन वो ये 1 यूज करना नहीं था, तो मैंने इसे ग्रेटर देन लगा दिया, तो आंसर हो गया फॉर a ग्रेटर देन -2, तो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ a, द लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन -2, मतलब -2 से बड़ी होनी चाहिए जिस पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, दिस इज माय फाइनल। हमारे व्यूअर्स को अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कमेंट शेयर लाइक कर सकते हैं, आप अपना क्वेरी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी नीचे लिखा हुआ आ रहा है।
आप अपना क्वेरी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे लिखा हुआ आ रहा है।